हेलो एवरीवन, आज की वीडियो सबसे अलग और सबसे इंटरेस्टिंग रखने वाला हूं मैं, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे टॉप थ्री ऐसे फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में जो अपकमिंग एमसीयू मूवीज के अंदर, लाइव एक्शन मूवीज के अंदर शो हो सकते हैं, एंड मार्वल को उससे क्या फ़ायदा एंड क्या लॉस है, एंड मार्वल उसे किस तरह पोर्ट्रे करने वाला है, एके डिज्नी। सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इंट्रो छूटा जा रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्ज्वल और स्वागत है आप सबका द एक्सप्लेन के अंदर। सो जो सबसे पहला कैरेक्टर जो मेरा फेवरेट है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो कैरेक्टर आपका भी फेवरेट होगा, वो है हमारा वुल्वरीन। वही बंदा जो अपने एडमेंटियम और बोन क्लॉज निकाल के लिटरली ब्लडशेड कर देता है हर जगह पे, एंड उसका एनिमी उससे ऐसे डरता है क्योंकि पता है जब वो सामने आता है सो द डेथ इज नियर। सो आज हम लोग बात करने वाले एमसीयू उसे कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक्समैन ओरिजिंस और एक्समैन के अंदर तो हमारे लोगन साहब मर चुके हैं, फाइनली ही इज नो मोर, वो डेथ हो चुका है, लेकिन उनकी बेटी वहाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऐसे कुछ अभी तक रूमर्स उड़ते आ रहे हैं, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसे रूमर्स उड़ते हुए आ रहे हैं कि शायद लोगन यानी हमारा वुल्वरीन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो सकता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स डिज्नी के अंदर आता है और डिज्नी चाइल्ड फ्रेंडली मूवीज बनाता है और तभी वो आर रेटेड हो नहीं सकता है। तो वुल्वरीन और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वो मूवी के अंदर नहीं दिखाते, जैसे आयरन मैन की सीन की बात करें, आयरन मैन की जहाँ पे वो सिगार पी रहा होता है, आयरन मैन का जो भी असिस्टेंट होता है, बट वहाँ पे वो सिगार वुल्वरीन तो मतलब सिगार लिटरली मज़े में फूकता है, और वो लोग ऐसे शो दिखा नहीं सकते क्योंकि चाइल्ड फ्रेंडली मूवीज़ बनाते हैं वो लोग, फैमिली साथ बैठ के देखे, और आर रेटेड मूवीज़ फैमिली कैसे देखेगी साथ बैठ के। सो ये काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर वो उसे ले के आता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और उसको दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके एक स्टैंड अलोन मूवी कर दें, फिर उस स्टैंड अलोन मूवी को वो लोग एक्समैन की मूवी से कनेक्ट करें तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो या फिर उन्हें एक्समैन का अपना नया यूनिवर्स बनाना पड़ेगा एमसीयू के अंदर, आई मीन वाइट पॉसिबल। अब जो हमारा सेकेंड कैरेक्टर है वो है डेडपूल। मतलब डेडपूल किसको नहीं पसंद है, डेडपूल तो वुल्वरीन से भी ज़्यादा आर रेटेड है, उसकी दो मूवीज़ हम लोग देख चुके हैं, उसके लिए तो बहुत हार्ड रूमर्स उठ के आ रहे हैं कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो सकता है। बट द पॉइंट इज, कैसे, क्या वो अवेंजर्स का पार्ट होगा, अपकमिंग अवेंजर्स की जो टीम बनेगी, और एमएस से यंग अवेंजर्स की टीम बनेगी, जो आई डोंट फील लाइक, एंड वो बहुत ज़्यादा आर रेटेड है, उसको पोर्ट्रे करना काफ़ी मुश्किल होगा। और तुम मतलब खुद इमेजिन करो, डेडपूल को तुम देख रहे हो एमसीयू के अंदर, वो मतलब खून खराबा नहीं कर रहा है, तो डेडपूल को देखने का फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग इंसान हैं, हम लोग को खून खराबा देखना पसंद है, इसलिए हमें डेडपूल, हल्क और वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर्स पसंद हैं। सो ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि सेम गोज फॉर वुल्वरीन, और इन दोनों कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना इन अ नॉन आर रेटेड मूवी इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। और वैसे भी डेडपूल की स्टैंड अलोन मूवीज़ और उसके बाद एक्समैन के साथ उसका मूवी आ चुका है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक मूवी वगैरह ऐसे बनानी पड़ेगी ताकि दोनों फेजेस को वो कनेक्ट कर सके, लाइक जो उसकी मूवीज़ आ चुकी हैं पहले एंड जो अपकमिंग जो उसे एमसीयू के अंदर डालेंगे, उस बेसिस पे दोनों कनेक्शन होना चाहिए। बट आर रेटेड से नॉन आर रेटेड एंड काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बट आई एम सुपर एक्साइटेड कि वो कैसे पोर्ट्रे करेंगे वुल्वरीन और डेडपूल पे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड जो लास्ट और तीसरा कैरेक्टर है वो है हमारा रीड रिचर्ड्स, आई मीन ऑब्वियसली अदर फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स कौन नहीं जानता उसे, मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, मार्वल कॉमिक का वो सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। बट द पॉइंट इज, यही प्रॉब्लम आई थी कि एमसीयू पहले ही टोनी स्टार्क को इतना स्मार्ट कैरेक्टर दिखा चुका है, उस पर अभी शूरी बैठी है वकांडा से, हमारी ब्लैक पैंथर की बहन, क्या कर सकते हैं। लेकिन और अगर यहाँ पे वो लोग रीड रिचर्ड्स की स्मार्टनेस को कंप्रेस करते हैं तो ये भी काफ़ी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि कॉमिक फैंस इससे बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि कॉमिक्स के कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ करना है, उनको उस वे में पोर्ट्रे ना करना जिस वे में वो लोग बचपन से उसे देखते आ रहे हैं, काफ़ी मुश्किल, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को डाइजेस्ट करना कि आई मीन ऐसा क्यों। और हम सबको ही पता है रीड रिचर्ड इतना स्मार्ट कैरेक्टर है कि उसको अगर तुम अगर थोड़ा भी डम दिखाते हो तो डैट माइट बी रियली रियली हार्श, और एक काफ़ी अच्छा बैकलैश मिल सकता है एमसीयू को इस वजह से। बट वो एक चीज़ कर सकता है यहाँ पे कि अगर वो रीड रिचर्ड्स को मतलब कहते हैं ना ग्रोइंग स्टेज से दिखाएं कि लाइक ही इज़ लर्निंग, लाइक हाउ जैसे हमारे टोनी स्टार्क ने लर्न करा था हर मूवी बाई मूवी अपनी गलतियों से, वैसे रीड रिचर्ड्स को दिखाएं तो शायद हो सकता है। बट इन फ्यूचर उन्हें उसको सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बनाना ही पड़ेगा, वरना बैकलैश अच्छा खासा मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, तीनों कैरेक्टर्स अगर वो मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स में और लाइव एक्शन मूवीज में डालते हैं, आई मीन हम सब देखना चाहते हैं, रियली बहुत मज़ा आएगा सबको। बट प्रॉब्लम ये है उसको पोर्ट्रे करने का तरीका, अब हम लोग वैसे कितना भी डिस्कस कर लें वो तो उन पर डिपेंड करता है कैसे पोर्ट्रे करने वाले हैं, और वैसे भी कोई अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन वो लोग दे भी नहीं रहे कि वो लोग डेडपूल और वुल्वरीन को पोर्ट्रे करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि और मैं चाहता हूँ पर्सनली वो करें, एंड उसका मतलब आर रेटेड रखें यार, आई मीन कब तक चाइल्डिश मूवीज़ बनाते रहेंगे, थोड़ा तो आर रेटेड करना पड़ेगा उन्हें, तब जाके और ऑडियंस ग्रैब कर पाएंगे। और पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा तो डिज्नी को वैसे आते ही रहेगा, और डिज्नी है पैसे की भूखी,
कॉपीराइट मत दे कहीं। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी एंड प्रॉफिटेबल लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर मज़ा आया हो तो चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।